माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपसे एक बहुत ही सामान्य विषय वस्तु को लेकर चर्चा करूंगा, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक इंडिया का जो पॉलिटिकल सेटअप है, उसमें अब तक जो चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेकर हम लोगों ने पहले बात की थी, चीफ मिनिस्टर्स को लेकर स्थिति कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और वहाँ एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस रूप में भी सामने आता है कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स कौन हैं। तो एक पूरी श्रृंखला आ जाती है सामने, लेकिन उनमें से यदि हम सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड की बात करें तो वो व्यक्ति है पवन कुमार चामलिंग, जो मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा है, पवन कुमार चामलिंग। ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये 24 ईयर एंड 166 डेज, 24 साल और 166 दिन, मतलब 24.5 साल का इनका रिकॉर्ड है। और इनके पार्टी को लेकर भी आप अलर्ट रहेंगे, इनका जो पार्टी था वो था सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर पवन कुमार चामलिंग सर हैं, ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये 99 से 2019 तक का इनका कार्यकाल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे बेहतरीन पायदान जो है उस पर कायम है पवन कुमार चामलिंग। अब यदि हम लोग दूसरे व्यक्ति की बात करें कि सेकंड पोजीशन पर कौन है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा समय तक चीफ मिनिस्टर के रूप में भूमिका का निर्वहन किया है, तो उसमें जो नाम आ रहा है वो नवीन पटनायक है। और मूल मकसद जो आज के इस बुलेटिन का है वो नवीन पटनायक को लेकर ही है। पवन कुमार चामलिंग कब का जा चुके हैं और इनका टेन्योर 24 ईयर एंड 166 डेज का है। दरअसल बात ये थी कि पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे स्थान पर जो थे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, और ज्योति बासु के बारे में आप ये जानेंगे कि ये CPM मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे और इन्होंने पश्चिम बंगाल का लंबे समय तक नेतृत्व किया और 23 ईयर एंड 138 डेज तक चीफ मिनिस्टर के चेयर को इन्होंने सुशोभित किया है। तो ये सेकंड व्यक्ति थे। इनको अभी अभी क्रॉस करके नवीन पटनायक सर जो हैं वो सेकंड पर आए हैं। और ये नवीन पटनायक के बारे में आपको पता है कि ये उड़ीसा के अभी भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 23 साल 138 दिन जो रिकॉर्ड था किनका, ज्योति बसु का, जो सेकंड पोजीशन पर थे, उनको ब्रेक कर दिया है और ये उनसे इसी हफ्ते आगे निकल गए हैं। आज के दिन में यदि बात करें तो 23 साल और 143 दिन आज को मिला के पूरे कर रहे हैं कौन, नवीन पटनायक। तो यहाँ बिल्कुल अब स्पष्ट बात है कि हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में, इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब भी तो पवन कुमार चामलिंग के नाम ही है, लेकिन बहुत जल्दी आप देख सकते हैं कि ये नवीन पटनायक जो हैं वो नंबर वन पर आ जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो चामलिंग सर हैं इनका तो रिकॉर्ड है, ये तो सर्विंग नहीं है, वो समाप्त हो चुका है दौर। नवीन पटनायक सर का अभी दौर चल रहा है और अब भी उड़ीसा की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब भी इनको तत्काल कोई चुनौती नहीं है। तो ये जो आप अंतर देख रहे हैं जो लगभग एक साल का है, ये अंतर भी पूरा होगा और नवीन पटनायक आने वाले दिनों में एक साल के बाद इंडिया में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड धारण करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये नवीन पटनायक को हम लोग अगर यहीं छोड़ दें तो शायद पूरा सीन क्लियर नहीं हो रहा है। नवीन पटनायक को जानने के लिए एक और व्यक्ति को आपको जानना पड़ेगा, वो व्यक्ति है बीजू पटनायक। कौन व्यक्ति है, बीजू पटनायक। अभी बीजू पटनायक कौन है, नाम से ही स्पष्ट है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीजू पटनायक जो हैं वो नवीन पटनायक सर के फादर थे, इनके पिता थे। अब इनकी पहचान क्या है कि ये एक बेहतरीन एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, एरो
नॉटिकल इंजीनियर थे, एक बेहतरीन डिप्लोमेट थे, कूटनीतिज्ञ और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, स्टेट्समैन तो थे ही। और इसके साथ जानेंगे कि ये एक बेहतरीन पायलट रहे। तो इंडियन एयरफोर्स को इन्होंने बड़ी बेहतरीन सेवाएं दी, एक पायलट के रूप में अपना करियर शुरू किए। और यहां सबसे महत्वपूर्ण और बात यह है कि आपको मैं एक घटना याद दिलाऊं 1947 के जुलाई की। 1947 के जुलाई में नई दिल्ली में एशियन अफ्रीकन समिट हो रहा था। इस एशियन अफ्रीकन समिट का मतलब क्या था? इस एशियन अफ्रीकन समिट का मूल उद्देश्य था कि एशिया में और अफ्रीका में जो देश कॉलोनाइज्ड हैं, उपनिवेश हैं, गुलाम हैं, ऐसे गुलाम देशों का, दलित राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में। अब आपको पता है कि हमारे पूर्व में जो इंडोनेशिया है वो डचों का उपनिवेश था, और 1945 में ही इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सुकार्नो, उन्होंने इंडोनेशिया की आजादी की घोषणा कर दी थी। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सुल्तान सजाहरीर, ये प्राइम मिनिस्टर थे इंडोनेशिया के और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सुकार्नो। लेकिन डच अभी भी उसको अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहे थे और अपनी पूरी क्षमता से अपने आप को वहां स्थापित रखने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ये उसको आजाद करना नहीं चाहते थे इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया का जो इंटरनेशनल सी रूट था और उसके जो एयरवेज के लाइंस थे सबको उन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखा था, मगर इंडोनेशिया को पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग कर दिया था इंडोनेशिया के एयर रूट पर और सी रूट पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण था डच नौसेना का और डच एयरफोर्स का। और इधर दिल्ली में एफ्रो एशियन समिट हो रहा है, इस एफ्रो एशियन समिट में इंडोनेशिया को भी निमंत्रण मिला है और इंडोनेशिया भी इसमें भाग लेना चाहता है, इस दलित राष्ट्रों के सम्मेलन में जो हो रहा है नई दिल्ली में जुलाई 1947 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जो एफ्रो एशियन समिट हो रहा था उस समिट में इंडोनेशिया भी भाग लेना चाहता है और वो आमंत्रित भी है। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुकार्नो, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर सजाहरीर को ये ऑर्डर भी दिया है कि आप नई दिल्ली में जाइए और दलित राष्ट्रों का, गुलाम राष्ट्रों का, कॉलोनी देशों का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें आप इंडोनेशिया का पक्ष रखिए और डच जो हमारे साथ ज्यादाती कर रहे हैं उसको दुनिया को बताइए, ये बढ़िया फ्रंट है, वहां जाकर आपको बात रखनी चाहिए। तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सजाहरीर वो आना चाहते हैं लेकिन डच सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बीजू पटनायक को याद किया और उन्होंने बीजू पटनायक को ये कहा कि आप क्या इस रिस्क को ले सकते हैं, क्या डचों की सेना, उसके नेवी और एयरफोर्स की चुनौती के बावजूद आप इंडोनेशिया जाएंगे, जकार्ता जाएंगे, जावा जाएंगे और क्या वहां से उनके प्राइम मिनिस्टर को इस दलित राष्ट्रों के सम्मेलन में भाग लेने में लाने में आप सहायक होंगे। बीजू पटनायक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उड़ान भरी। आप ध्यान देंगे उनकी पत्नी का नाम था ज्ञानवती, फिर मैं जोड़ूंगा इसको, अब भी उनकी बेटी मेघावती। तो ज्ञानवती के साथ, अपनी वाइफ के साथ बीजू पटनायक ने डकोटा प्लेन में उड़ान भरी और ये बड़ी सफलतापूर्वक जकार्ता के नियर अबाउट एक छोटे से रनवे पर किसी तरह अपने प्लेन को लैंड किया और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे सजाहरीर साहब और डॉक्टर सुकार्नो के एक विशेष प्रतिनिधि अकमद सुकार्नो और इनके साथ कुछ और फ्रीडम फाइटर्स जो डचों की निगाह में अपराधी थे उन लोगों को लेकर इनका डकोटा प्लेन सकुशल दिल्ली आ गया और इस सम्मेलन में भाग लिया।
तो ये बहुत बड़ी एक साहस का, शौर्य का और हिम्मत का परिचय दिया था बीजू पटनायक ने 1947 में, जब उन्होंने वहां के इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर को डचों के विरोध के बावजूद इंडोनेशिया से निकाला और उनको नई दिल्ली में सम्मेलन स्थल तक लेकर आए। तो इससे उनका बड़ा नाम हुआ पूरे दुनिया में, बीजू पटनायक सर का। और इंडोनेशिया की सरकार ने अपना सबसे बड़ा जो अवार्ड था, भूमिपुत्र अवार्ड, वो इनको दिया है। ये भूमिपुत्र अवार्ड इंडोनेशिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है और ये आज तक सिर्फ एक विदेशी व्यक्ति को दिया गया है और वो है बीजू पटनायक सर। इसके अलावा उनको इंडोनेशिया की मानद नागरिकता भी दी गई, तो ये इंडोनेशिया की ओर से उनका सम्मान हुआ। बीजू पटनायक सर का कद इतना महान रहा है भारत की राजनीति में, भारत के नवनिर्माण में और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को बनाने में कि अब इसके दूसरे तीसरे पायदान भी अपने आप मेरे दिमाग में आने शुरू हो गए हैं। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों से आपको और भी अवगत कराऊंगा। देखिए, इनका एक बड़ा योगदान भारत में समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में भी रहा है। किनका? बीजू पटनायक सर का। ये समाजवादी रुझान के व्यक्ति थे। अब समाजवाद को लेकर तो दुनिया में बहुत तरह की बातें होती है, तो इनका जो समाजवाद था वो लोकतांत्रिक समाजवाद था, फेबियन समाजवाद था, जिसके अंतर्गत वो ये नहीं कहते कि हम मालिकों का या पूंजीपतियों का सर काट लेंगे और दुनिया में सर्वहारा का एकाधिकार लाएंगे, बल्कि ये उस समाजवादी धारा के बड़े लीडर साबित हुए जिसमें समन्वय, सामंजस्य, सामाजिक न्याय और गरीब, कमजोर और मार्जिनलाइज लोगों को विशेष मदद देकर उनको समर्थ बनाने की प्रक्रिया को जो हम लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जानते हैं, इस लोकतांत्रिक समाजवादी धड़े का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहे हैं। कौन? बीजू पटनायक सर। तो इनके पॉलिटिकल कैरियर की यदि मैं बात करूं तो वहां ये कहूंगा कि ये 1961 से 63 तक ये क्या रहे, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे 2 साल के लिए। उसके बाद ये दोबारा भी चीफ मिनिस्टर बने 1990 में और 95 तक चीफ मिनिस्टर रहे, तो 2 बार चीफ मिनिस्टर बने और 7 सालों तक ये चीफ मिनिस्टर भी रहे। पहला करियर आपने देख लिया है इनका, फाइटर प्लेन उड़ाने के रूप में, डेकोडा के जरिए वो इंडोनेशिया गए थे और वहां के प्रतिनिधि को दिल्ली के सम्मेलन तक लेके आए थे, डचों के पूरे विरोध के बावजूद, इंपीरियल पावर के पूरे विरोध के बावजूद। उसके अलावा जो 48 में हमारा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ, उसमें भी इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण सेवा दी एक फाइटर प्लेन के पायलट के नाते। और श्रीनगर और बारामूला में जो झड़पें हुई, उन झड़पों में भारत की जो शानदार जीत हुई, उसमें एयरपोर्ट का जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट में अग्रिम भूमिका निभा रहे थे। कौन? बीजू पटनायक। तो एक सेनानी के रूप में आपने बीजू पटनायक की भूमिका देखी, एक राजनीतिज्ञ के रूप में हमने कहा कि वे समाजवादी धारणा के बड़े व्यक्तित्व थे और वो 1961 से 63 तक चीफ मिनिस्टर रहे और फिर 1990 से 1995 तक चीफ मिनिस्टर रहे। इसके अलावा वे इंडिया में जब पहली बार नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो इस सरकार में ये स्टील या आप जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयरन एंड स्टील विभाग के मंत्री बने। इसके पहले तक भारत में कोयला मंत्री नहीं होते थे। ये बीजू पटनायक सर ही हैं जो पहली बार भारत के केंद्र सरकार में कोयला मंत्री बने। पहले स्टील एंड वो आयरन और माइंस का मिनिस्ट्री होता था, कोयला मंत्री नाम की चीज पहली बार भारत की राजनीति में आई थी और वो भी आया था किसके नाम से? बीजू पटनायक सर के नाम से। अब मैं लास्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 1997 में बीजू पटनायक सर का देहांत हो गया और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो सपोर्टर थे, इनके जो समर्थक थे, वे काफी मतलब कि दुख के क्षणों में ये तय किया कि हमें बीजू पटनायक सर के आर्ट को, इनके कार्य को जिंदा रखना है और आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा दिलानी है। तो इसके लिए उन्होंने बीजू जनता दल का गठन किया। कब? 97 में उनकी मृत्यु के बाद। और ये बीजू जनता दल 2000 में जो उड़ीसा में चुनाव हुए उसमें जीता और तब से लेके आज तक
इनके बेटे नवीन पटनायक वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहां हम लोग पहुंचे नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक अब भी भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो आज 23 साल और 143 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इनसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बस एक व्यक्ति के नाम है, और वो है पवन कुमार चांगलिंग, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो रहे हैं 24 साल 166 दिनों तक। तो ये लगभग एक साल का फासला है, और ये लग रहा है कि नवीन पटनायक सर इसको बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, और आने वाले दिनों में आपके जीके के लेवल पर ये इन्फॉर्मेशन बदलने वाला है कि नवीन पटनायक जो हैं वो सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तीसरे स्थान पर ज्योति बसु को, जो अब तक दो थे, ये इसी हफ्ते तीसरे नंबर पर आ गए हैं ज्योति बसु। तो ये पश्चिम बंगाल के थे, और ये CPM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट CPI नाम से एक अलग धड़ा है। गेगोंग अपांग के बारे में यदि बात करूं तो ये देखिए गलत लिखा है, यहाँ अरुणाचल नहीं है, ये मिजोरम के चीफ मिनिस्टर रहे, मिजोरम। अब मिजोरम तो देख रहे हैं, ये फिर थोड़ा मिजो जनजाति को लेकर बात हो रही है कि ये जो अभी चल रहा है हमारा मणिपुर में जो हिंसा का तांडव चल रहा है, या महिलाओं के साथ जो अभद्र घटनाओं को लेकर जो खबरें आ रही है उसमें अब मिजोरम भी जुट रहा है, क्योंकि ये जो नागा और कुकी जनजातियाँ हैं और मैतेई जिनको लेकर लड़ाई चल रही है मिजोरम में, ये तो ये इसमें दो समूह हैं, नागा और कुकी एक तरफ हैं, नागा और कुकी का समुदाय एक तरफ है, और ये चैलेंज कर रहे हैं किसको, मैतेई को। तो ये नागा और कुकी का जो संबंध है वो मिजो जनजाति से भी है, निर्जातीय रूप से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो ये नागा और कुकियों को अब सहानुभूति मिजो जनजाति से भी मिलनी शुरू हो गई है, मतलब मणिपुर में जो हिंसा का या जो राजनीतिक उठापटक का जो खेल चल रहा है उसका अंश, उसका दंश अब मणिपुर में मिजोरम में भी देखने को मिल रहा है, और मिजोरम के लोगों ने भी नागा और कुकियों के साथ अपनी सहानुभूति दिखाई है, उनका समर्थन किया है, और इसका असर ये हुआ है कि मिजोरम से भी अब मैतेई समाज के जो लोग हैं वो पलायन करना या भागना शुरू कर दिए हैं। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब भी हम लोग मूल रूप से अपने इस ही डटे रहेंगे, और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज़ को आज समझ लेंगे कि इंडिया के पॉलिटिकल सीनेरियो में चीफ मिनिस्टर्स को लेकर जो लॉन्गेस्ट सर्विंग होने का मसला है उसमें किस पादान पर कौन कहाँ है। तो ये पवन कुमार चामलिंग नंबर वन, कहाँ से, सिक्किम से। नवीन पटनायक नंबर दो पर, अभी 23 साल 143 दिन, और पवन कुमार चामलिंग 24 साल 166 दिन। ज्योति बसु 23 साल 138 दिन, पश्चिम बंगाल, CPM। और नवीन पटनायक का तो दल बता ही दिया, बीजू जनता दल। अब ये बीजू जनता दल को थोड़ा हम लोग नेशनल पॉलिटिक्स में भी देख लें, तो ये बीजू जनता दल शुरुआत में NDA के साथ था, बाद में ये अलग हो गया, लेकिन अब भी जो आप एक महागठबंधन के रूप में इंडिया नाम से जो अलायंस सामने आया है उस विरोधी दल के समूह में ये BJD शामिल नहीं है। तो फिर संभावना बन रहा है कि ये NDA में ही पहले थे, बीच में इनका NDA से संबंध टूट गया था, अब भी NDA में नहीं है, लेकिन जो समीकरण अभी वर्तमान में भारत में बन रहा है उसमें लग रहा है कि BJD विरोधी जो ग्रुप बनाए हैं, पॉलिटिकल अलायंस बनाए हैं इंडिया के नाम से, उसका हिस्सा BJD नहीं होगा, क्योंकि अब तक किसी भी प्रयास में इनको सामने आते हुए नहीं देखा गया है। तो ये मान के आप चलें कि BJD फिर हो सकता है कि 24 के चुनाव में NDA के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। तो ये तत्काल बात है कि ये तीन ध्यान रखेंगे। यदि आप थोड़ा और जानना चाहें तो मैं आपके पास एक टीम रख रहा हूं जिसको आप नाम दे सकते हो Super 20। क्या नाम दे सकते हो, सुपर, यहां लिख दो Super 20। Super 20 का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसे चीफ मिनिस्टर्स का क्लब है जो 20 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो 20 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रहने वाले श्रृंखला में यदि हम आते हैं तो एक नहीं सात सात नाम है, और ये कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि हम सहानुभूति के आधार पर या भावना के आधार पर लोकतंत्र का संचालन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 20-20 साल बहुत बड़ा टर्म होता है, और इतने टर्म तक कोई एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, तो कहीं ना कहीं एक बिना ये भी अपने आप स्पष्ट होने लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं कोई खोट तो नहीं है।
बार बार एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी, एक ही लोग यदि सत्ता में आ रहे हों तो वहां हमें रिट्रोस्पेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। तो एक मुद्दा ये भी है जिस पर हम लोग कभी विचार करेंगे। अब भी हम लोग ये देखें कि पवन कुमार चामलिंग, नवीन पटनायक, ज्योति बसु, गेगांग अपांग, गेगांग अपांग मिजोरम, और ये सर ललथन हलवा हैं। ललथन हवला ये रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के, और इनका भी रिकॉर्ड सर 20 साल से ज्यादा का है, और ये लगभग 22 साल और 60 दिन मतलब 22 वर्ष और 2 महीने तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसी के साथ आप देख लीजिए वीरभद्र सिंह, वीरभद्र सिंह को तो आप जानते ही होंगे, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। ये कहां से हैं सर? ये हिमाचल प्रदेश से हैं, और ये भी 21 साल और 13 दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और इन्हीं के साथ एक नाम और जोड़ लीजिए आप, मानिक सरकार, और ये मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर रहे कहां के? त्रिपुरा के। और ये मानिक सरकार जो हैं, इनका भी जो दल है वो CPM है, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो वीरभद्र सिंह हैं, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 20 साल से ज्यादा 21 साल 13 दिन रहे हैं, इनका जो दल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और ये जो ललथन हवला हैं जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, इनका जो दल है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और गेगोंग अपांग का भी कोई एक अलायंस था, सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस टाइप का। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये 7 चीफ मिनिस्टर हैं इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा तक मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। महत्वपूर्ण हम लोग के लिए 2 हो जाते हैं, पवन और नवीन। अब आते हैं हम लोग अपने सेगमेंट की ओर, और यहां मैं आपसे एक सवाल करूं तो ये देखिए 3 सवाल रखे हैं आपके लिए सर। पहला सवाल था कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो अब भी का जवाब क्या है? पवन कुमार चामलिंग है, क्योंकि नवीन पटनायक के सामने कोई चुनौती दिख नहीं रही है और लग रहा है कि वे इस कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। और जिस तरह का उड़ीसा की परिस्थिति है और जो सिनेरियो वहां देखने में आ रहा है, उससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसको भी शायद नवीन सर जीत लें, और ये फिर 25 से 30 वाले पायदान पर नजर आए तो ये संभावना बनती है। पवन कुमार चामलिंग, दूसरे नवीन पटनायक, तीसरे ज्योति बसु, चौथे गेगोंग अपांग मिजोरम, ललथन हवला अरुणाचल प्रदेश, वीरभद्र सिंह हिमाचल, मानिक सरकार त्रिपुरा। उसके अलावा यदि कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा और भी करें तो ये 2 व्यक्ति हैं जो बड़े राज्यों में, हमने देखा कि उड़ीसा को यदि आप बड़े और छोटे के बीच की स्थिति में